बिहार में शराबबंदी के बाद पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं इसको लेकर भागलपुर में भी पुलिस की बड़ी टुकड़ी ने रविवार की अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने किलाघाट शंकरपुर दियारा में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दियारा में देसी शराब बनाने वाली कई भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया। साथ ही पुलिस टीम ने देसी शराब बनाने वाले उपकरण सहित हजारों लीटर देसी शराब बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। बता दें कि दियारा इलाके में पुलिस समय समय पर छापेमारी अभियान चलाती है, जबकि शंकरपुर दियारा में देसी शराब का निर्माण किया जा रहा था और इसकी सूचना पुलिस को लंबे समय से थी। वहीं एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर बरारी, ततारपुर और नाथनगर की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत दियारा इलाके में दबिश दी, जिसमें सीआईएटी और वज्रदल की टीम भी शामिल थी। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने हजारों लीटर देसी शराब बरामद किया है। साथ ही शराब को निर्मित करने वाले उपकरण और शराब की भट्टी को भी नष्ट कर दिया गया। हालांकि पुलिस की टीम को देखते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। इधर पुलिसिया कार्रवाई के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी देसी शराब को चुनाव के मद्देनजर खपाने के लिए बनाया जा रहा था। भागलपुर नाथनगर क्षेत्र के नरगा चौक पर खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों ने टायर जलाकर घंटों हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत यूरिया खाद 266 रुपए में किसानों को आधार कार्ड पर मुहैया कराया जाता है, जबकि यहां के खाद विक्रेताओं के द्वारा 500 से 600 रुपया लेकर महंगे दामों में खाद दिया जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि खाद की कालाबाजारी को लेकर जब पदाधिकारी को सूचना दी जाती है तो पदाधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं और खाद विक्रेताओं के साथ मिलकर अपना कमीशन लेकर चले जाते हैं। किसानों ने कहा कि इसका खामियाजा उन किसानों को भुगतना पड़ता है। इस संबंध में सबौर प्रखंड के कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि खाद की कालाबाजारी को लेकर सूचना मिलने पर तुरंत जगह पर पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। वहीं किसानों को अधिकारियों ने समझा बुझाकर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराए जाने की बात कही। हमको गुप्त सूचना मिली, सूचना तो कल ही मिली थी हमको, लेकिन कल परीक्षा ड्यूटी मजिस्ट्रेट में थे बिहार एसएससी एग्जाम में, तो आज इसी एग्जाम खत्म हुआ। सूचना के आधार पर कि नरगा चौक के पास लालू चक में अवैध कारोबार फर्टिलाइजर का कर रहा है, तो फिर थाना को लोकल नाथर सूचित किए और वहाँ के पुलिस अधिकारी और फोर्स के साथ आके छापेमारी की, जिसमें लगभग 200 बैग यूरिया प्राप्त हुआ, जिसको लोकल गोदाम में रखवाते रहे और उसको FIR हो जा रहा है। भागलपुर के कचहरी चौक के समीप सेंट बेनेडिक्ट चर्च, नाथनगर साहेबगंज स्थित बिशप ओरेवेन चर्च समेत कई चर्च में प्रभु यीशु के जन्मदिवस क्रिसमस को लेकर चर्च में प्रार्थना की गई। वहीं रविवार को कचहरी चौक स्थित सेंट बेनेडिक्ट चर्च और घंटाघर स्थित क्राइस्ट चर्च का मुख्य द्वार प्रबंधन की ओर से आम लोगों के लिए बंद रखा गया था। हालांकि सेंट बेनेडिक्ट चर्च के बाहर क्रिसमस को लेकर युवाओं और छात्र छात्राओं के साथ पुरुष महिलाओं की भीड़ जुटी रही, जहां प्रभु यीशु को नमन करते हुए छोटे बच्चों एवं युवक युवतियों ने कैंडल जलाया। इस दौरान चर्च के आसपास माहौल मेला सा दिखा, जहां सभी ने क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए जमकर इसका लुत्फ उठाया। इस दौरान चर्च के पादरी और कमेटी से जुड़े कई लोगों ने प्रभु यीशु को नमन करते हुए प्रार्थना की और क्रिसमस को लेकर मिशनरी समेत सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। मैं फर्स्ट टाइम आई हूं यहां पे क्रिसमस के मौके पे और अभी तो फिलहाल चर्च बंद है, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए और बहुत सारा भीड़ जमा हुआ है यहाँ पे। और मैं पहली बार आई हूँ भागलपुर में चर्च घूमने के लिए, बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि सब आते हैं एंजॉय करने के लिए। एक टाइम मिलता है 25 को सबको आने के लिए कि सब एक साथ इकट्ठे होकर एंजॉय करेंगे। कहाँ से आई हैं? बस यही भागलपुर के हैं। वहीं नाथनगर के साहिबगंज चर्च में कार्यक्रम की शुरुआत फादर एल्बुनस मुर्मू ने प्रार्थना सभा कर की। वहीं फादर ने सभी लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताते हुए क्रिसमस पर उपहार भी दिया। साथ ही प्रभु यीशु के जन्म को लेकर चर्च में मौजूद लोगों ने मसीही गानों पर झूमकर क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हुए दिखे। वहीं इस दौरान फादर पॉलुस मारांडी, फादर जीजो, फादर वर्गीज, फादर जसवंत समेत कई लोगों ने एक दूसरे के साथ आम लोगों को भी मध्य रात्रि में क्रिसमस की बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर रूबी होमब्रम, जिमी क्वाड्रेज, बीबी मोशेस, राणा विश्वास, आकाश आइंस्टाइन, दिलीप जॉन समेत कई लोग मौजूद थे।
भागलपुर में एक डॉक्टर के क्लिनिक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज मोहल्ले में डॉक्टर अर्चना भारती की क्लिनिक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने के कारण आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से क्लिनिक के स्टाफ ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। वहीं इसके बाद क्लिनिक के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना बबरगंज थाना पुलिस को दी, जबकि सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी, जबकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ एवं फायर ब्रिगेड की तत्परता के कारण नुकसान बढ़ने से रोक दिया गया। मार्केट एरिया होने के कारण इस इलाके में काफी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। वहीं क्लिनिक के कर्मियों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है, जबकि फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जी, ये जो है आग लगने की सूचना जो है सर्वप्रथम थाना प्रभारी महोदय को बबरगंज को सूचना मिली। वहाँ हम लोग ऑफिस में थे थाना पर, वहाँ से हम लोग जो है तुरंत बड़ा बाबू के आदेश मिला कि आप लोग अलीगंज चौक जाइए और वहाँ पर जो है कंट्रोल करने का काम कीजिए। उन्होंने तुरंत अविलंब फायर ब्रिगेड को सूचना दिया, जिससे कि फायर ब्रिगेड भी अलीगंज चौक पर तुरंत तत्परता के साथ पहुंच गया, जिससे कि आग पर कंट्रोल पाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज प्रथा को हटाने के लिए लंबे समय से कवायद कर रहे हैं, जबकि न्यायालय में डोरी सिस्टम के मामले आए दिन देखने को मिलता है। ऐसे कई मामले हैं जहां दहेज के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दहेज नहीं देने पर एक गर्भवती महिला को जलाने की बात सामने आई है। दरअसल छोटी कैरिया निवासी सकीचंद रमानी के पुत्र पवन कुमार ने गोड्डा जिले के सुधीर रमानी की पुत्री जूली से प्रेम विवाह रचाया था। शादी के एक वर्ष बाद ज्योति 8 माह की गर्भवती थी। पीड़ित परिजनों ने कहा कि लड़की के ससुराल वाले उसे अक्सर दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे और विगत 2 महीने से मृतका ज्योति मानसिक तनाव से जूझ रही थी। लड़की के पिता सुधीर रमानी ने कहा कि उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार लड़के को 1 लाख रुपया दहेज दिया था, जबकि लड़के वालों की तरफ से बार बार मोटरसाइकिल और अन्य सामान देने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। लड़की वालों ने मृतका ज्योति के पति पवन और उसके परिवार वालों पर ज्योति और गर्भ में बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पवन और उसके माता पिता इस आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। घटना सर, मेरा लड़की शादी करके मेरा 2 महीना हुआ था, मैं केरला के चले गए कमाने के लिए, जबकि कर्जा लिए हैं किसी से तो उसको देने के लिए, मैं कमा के ही नहीं मैनेज करेंगे, तो उसके लिए गए। तो इस बीच में लड़की के साथ उससे ससुराल में लड़ाई झगड़ा करने लगे। लड़ाई झगड़ा करते करते उसको कभी बीच में जाके अपना मायके में छोड़ आते थे। कितने दिन पहले किए थे बेटे? एक साल भी अभी नहीं पूरा, अगले मतलब मार्च के महीना में 5 तारीख को। सर झगड़ा कब से हो रहा था? झगड़ा अभी दो महीना शायद, अच्छा से 2 महीना। वो पेट में जब बच्चा उसका 1 महीना का बोल रहा हो चुका था, तभी से लोग का उसको परेशानी करने लगा। झगड़ा हो रहा था कि जो गाड़ी दीजिए, फिर पैसा भी दिया था दहेज। तभी क्या करता था आपका जमाई? वही इधर उधर काम कर रहा था। कितना दिन से मांग रहा था? यही 6-7 महीना से। क्या मांग क्या किया था? बोल रहा है गाड़ी मांगी है अपना माई का यहाँ से। हम लोग बोले कहाँ से दी, जली है कि जलाया गया। बिहार में खाद को लेकर किसान काफ़ी परेशान हैं और राज्य के विभिन्न जिलों में खाद को लेकर हंगामा भी हो रहा है। वहीं नाथनगर में खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर लालूचक में छापेमारी करते हुए सैकड़ों बोरी खाद जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यूरिया खाद के लिए अमरजीत कुमार ने डोमन यादव के घर में किराए के मकान में खाद का गोदाम बनाया था और वहाँ से कालाबाजारी की जा रही थी। वहीं टीम ने 200 बोरा खाद को जब्त कर कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर कालाबाजारी करने वाला खाद विक्रेता मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो खाद जो आया है, हम लोग स्टाफ को भी लगा दिए, हमारा स्टाफ आया है कोऑर्डिनेटर सलाहकार, हमको तो पूरा 3 प्रखंड देखना है, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेटर और सलाहकार जो है
क्षेत्रीय लेवल पर है, क्षेत्रीय लेवल पर रहेगा ये लोग मुस्तैद और हंगामा नहीं होने देंगे और जैसे ही से आएगा बटवाते चलेंगे। अभी देखिए सबका ले लिए हैं आधार कार्ड, अपने सामने बटवाएंगे सबका। तो कालाबाजारी का जैसी सूचना मिला तुरंत छापे मारे, और किसी को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर ले लीजिए, तुरंत सूचना दीजिए और देखिए कार्रवाई होगी। हमारा दैनिक जागरण में भी बीपुर के मेन अथी पर कवर किया था, वहाँ लोग यहाँ से ही फ़ोन किया कि सर आपका ये नंबर है, हम कहे कि हाँ जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो हमारा मोबाइल नंबर ओपन है, कंप्लेन करिए हमारा मोबाइल नंबर पर। मेरा नाम अश्ताक अहमद है, घर मेरा डरिया बिलार है, पोस्ट करपुरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर, और वार्ड में वार्ड नंबर मेरा 15 है। हमको बहुत पहले से चीनी था लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास चीनी है, तो एकाएक हम चक्कर खा के गिर गए। उस वक्त में मेरा 450 से ऊपर मेरा चीनी था, तो नापा गया चीनी तो 530 या 533 मेरा चीनी था, तो हमको ICU में लोग ले जा करके भर्ती करा दिया। वहाँ निकल गया कि इनको चीनी है, तो उस वक्त चीनी मेरा था 530। तो इलाज हुआ तो इंसुलिन पड़ता था सुबह शाम, तो वहाँ 5 दिन ICU में भर्ती रहे। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से नाम काट दिया, तो दवा लिख दिया अंग्रेजी दवा, दवा का नाम है ग्लाइकोमेट GP24, एक डेली सुबह में खाते थे। लेकिन खाने के बाद हमको नुकसान बहुत हुआ कि आँख की रोशनी चली गई, तो अब ठीक हो जाइएगा। तो दवा खाते हुए ही अंग्रेजी दवा जब खाना शुरू किए तो आँख की रोशनी चली गई। अब सोचिए हम, एक तो डायबिटीज़ हो गया, दूसरा नंबर की मेरी आँख की रोशनी चली गई, अब हम करें तो क्या करें। देखो आयुर्वेदिक दवा देते हैं डायबिटीज़ का, तो इनसे मिले हम, तो 6 महीना हम दवा इनका खाए हम, तो मेरा चीनी अभी जो है मात्र 127 है। खाना खाने के बाद चावल रोटी खाना खाने के बाद टेस्ट किया गया तो 127 है ये। हाँ, तो अब जो दवा है मेरा 6 महीना खाने के बाद मेरा दवा अब बंद हो गया है। कितना दिन से आपका दवा बंद है यहाँ से? 1 महीना से दवा मेरा बंद है, आयुर्वेदिक दवा मेरा 1 महीना से बंद है। उसके बाद भी चेक किया गया है तो मात्र 127 मेरा आया। पहले से अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत फिट है हम, चलने फिरने में भी ठीक है। पहले 10 कदम चलते थे तो दम फूल जाता था। आँख की रोशनी अभी कैसा है? आँख की रोशनी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत पहले से अच्छा है। और ये दवा खाने से हमको बहुत फ़ायदा है, एक तो चीनी मेरा ख़त्म हो गया और आँख की रोशनी मेरी ठीक है अभी। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा हुआ और मेरा एज 38 साल हुआ। मेरा घर बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड में हुआ। मैं शुगर टेस्ट जहाँ करा रहा था वहाँ से मालूम चला इस डॉक्टर साहब के बारे में, तो मोतिहारी जिला के रामगढ़वा प्रखंड में एक शिक्षक यहाँ इलाज चला रहे थे और वो ठीक हो गए थे, उनके माध्यम से मालूम चला तो यहाँ आए। उस समय मेरा शुगर लेवल लगभग 260 था और उस समय बहुत कमज़ोर भी था, तो यहाँ आके इलाज करना शुरू किया। इलाज लगभग 3 महीना दवा खाए, 3 महीना दवा खाने के बाद अभी हम दवा छोड़े हुए मेरा 2-2.5 महीना हो गया। कभी कभी मिठाई भी खा लेते हैं, खीर भी खा लेते हैं।
भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत दिव्यांग गोविंद कुमार अपनी समस्या को लेकर गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान दिव्यांग गोविंद कुमार ने कहा कि पिछले 20 तारीख को औद्योगिक थाना पुलिस ने एक ट्राइसाइकिल बरामद किया था, जिसमें उसे आरोपी बना दिया गया, जबकि इसके कारण वह लगातार थाने का चक्कर भी काट रहा है, लेकिन पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं इसके बाद दिव्यांग ने SSP से गुहार लगाते हुए मामले में तत्काल संज्ञान लेकर औद्योगिक पुलिस द्वारा जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। दिव्यांग व्यक्ति ने कहा कि औद्योगिक थाना क्षेत्र की गश्ती टीम ने ट्राइसाइकिल के साथ एक विकलांग को कई बोतल शराब के साथ पकड़ा था और यह ट्राइसाइकिल फिलहाल औद्योगिक थाना में रखा गया है। साथ ही कहा कि इस मामले में पुलिस ने असल दोषी की जगह उसके नाम से केस बनाकर तंग करना शुरू कर दिया है, जिससे वो काफी परेशान है। मेरा रिक्शा का मामला है, मेरा फतेहपुर घर नहीं पड़ता, मेरा रानी तालाब घर है। इसके बाद बोलता है कि रिक्शा वहाँ पकड़ाया किसी और का, मेरा ही नाम बता रहा है कि तुम्हारा ही रिक्शा है। कौन बता रहे हैं? 0 माइल थाना का बता रहे हैं। अब मेरे ऊपर केस भी हो गया है। क्या नाम है? गोविंद कुमार। कब का मामला था? ये 20 तारीख का मामला है। और यहाँ सर से मिले, एसपी सर से क्या बोले? बोला फिर से इंक्वायरी करने के लिए। भागलपुर में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी सर चढ़कर बोल रहा है। एक तरफ जहां प्रत्याशी दिन रात गली गली घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समर्थकों ने भी अपने स्तर से विभिन्न स्थानों पर बैठक तो गृह संपर्क अभियान जारी रखा है। इसी क्रम में भागलपुर के पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा ने सीमा शाह को मेयर पद के लिए पूर्ण रूपेण समर्थन देते हुए लोगों से उनका समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सीमा शाह से बेहतर कोई और मेयर नहीं हो सकता है, इसलिए जनता उनको ही अपना प्रतिनिधि चुने। साथ ही कहा कि भागलपुर शहर को नया आयाम देने के लिए उनके 5 साल के कार्यकाल का अनुभव भी काम आएगा। स्वतंत्र रूप से मुझे लगता है कि इस दबाव में रहने के बावजूद महापौर के कार्यकाल में लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का काम हुआ। हर घर जल का नल पहुंचे इसके लिए लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन बिछाने का काम किया, वेंडिंग जोन का काम किया। हम लोगों ने अपने स्तर से भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़कर लगभग 5-6 नगर निगम के ही कर्मचारियों को सस्पेंड करने का काम किया और भी कई तरीके। बेशक हर इंसान में कमी बेशी रहती है, उनमें भी कोई खामियां रहीं, लेकिन उन खामियों के पीछे की जो मुख्य वजह थी वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाने का एक महत्वपूर्ण वजह वो था। मुझे लगता है कि इस बार स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलेगा तो 5 साल के जो अनुभव रहे हैं उस अनुभव का शहर के लोगों को और योजनाओं में बेशक फायदा होगा। भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर जहां जनसंपर्क में तेजी देखी जा रही है, वहीं महापौर और महापौर पद के प्रत्याशी भी अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं इसको लेकर महापौर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल अपने समर्थकों के साथ शहर के अलग अलग वार्ड का भ्रमण कर रही है। रविवार को डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सुबह से ही जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया, जबकि इस दौरान कुतुबगंज, वारसलीगंज, मोदी नगर, मिर्जान हाट का भ्रमण किया। वहीं इसके बाद प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ शहर के तमाम व्यवसायियों से मुलाकात कर बैठक की और अपने पक्ष में मतदान कर उन्हें महापौर बनाने की अपील की। इसके अलावा बरारी, रिफ्यूजी कॉलोनी, बूढ़ानाथ, भोलानाथ पुल और इसाकचक के इलाके में जनसंपर्क कर मतदान के माध्यम से सहयोग मांगा। इस दौरान अलग अलग इलाके में डॉक्टर वसुंधरा लाल को लोगों ने बेहतर प्रत्याशी बताते हुए अपना समर्थन देने की बात कही। हालांकि जनसंपर्क करने के दौरान अधिकतर प्रत्याशी को लोग निराश नहीं करने की बात तो करते हैं, लेकिन मतदान के बाद ही इसका पता चल सकेगा कि असल में प्रत्याशियों को मिलने वाला प्यार वोट में कितना बदल पाता है। कहा जाता है कि भागलपुर नगर निगम में डॉक्टर वसुंधरा लाल और पूर्व मेयर सीमा शाह के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि सभी प्रत्याशी अपने स्तर से जोरदार प्रचार प्रसार में लगे हैं। भागलपुर नगर निगम की पूर्व महापौर सीमा शाह ने मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही चुनाव को लेकर जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। 28 दिसंबर को बिहार नगर निकाय चुनाव का दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर एक बार फिर से मेयर बनने के लिए सीमा शाह चुनावी सबर में अपनी किस्मत आजमा रही है। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने बरारी समेत कई वार्डों में जाकर लोगों से घर घर मुलाकात की और दूसरी बार भागलपुर का मेयर बनाने की अपील की।
वहीं इसके साथ ही सीमा शाह ने भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पर्वती, लालकोठी, ततारपुर, हुसैनपुर, पॉलिटेक्निक कॉलेज इलाके के अलावा कई जगहों पर हैंडबिल देकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं प्रत्याशी के साथ समर्थकों ने जीत का दावा किया है, जबकि इन सभी दावों में कितनी सच्चाई होती है यह तो मतदान के बाद ही पता चल सकेगा। इधर कई इलाकों में लोग अपना समर्थन देने की भी बात कर रहे हैं। भागलपुर के उप महापौर प्रत्याशी संतोष कुमार के समर्थन में शहर के कई संगठनों ने उनका साथ देने का निर्णय लिया है। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी सर चढ़कर बोल रही है, जबकि प्रत्याशी दिन रात गली गली घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों ने भी अपने स्तर से विभिन्न स्थानों पर बैठक कर घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया। इसको लेकर भागलपुर के उपमहापौर पद के प्रत्याशी संतोष कुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने वोट मांगा, साथ ही अपने चुनाव चिन्ह की जानकारी देकर समर्थन देने की अपील जनता से की। मुद्दा समाज में विकास नहीं पाया, शहर का विकास, नगर निगम में जो है विकास नहीं हो पाया है, किसी भी प्रकार का विकास नहीं है। जनता का रुझान बढ़िया है मेरे प्रति, बदलाव होगा। हाँ, जरूर बदलाव होगा। जितने तो नगर निगम की जितनी भी कुव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जितने के बाद प्राथमिकता तो बहुत सारी है शहर में, जैसे कि आपका जो है शहर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, मध्यखंड है, भागलपुर का हट कहलाता है ये, और वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बस पड़ाव की स्थिति ठीक नहीं है, ऑटो टमटम वगैरह की भी जो है जो पड़ाव है वो नहीं है शहर में टोटो वगैरह की, और जो है शहर में अंडरग्राउंड लाइट चाहिए स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए। भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर रविवार को डिप्टी मेयर प्रत्याशी कविता राय ने घर घर दस्तक देकर मतदाताओं से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी दौरान कविता राय ने बीकनपुर गुमटी नंबर 1 और 2, शीतला स्थान, छटपट्टी पोकर, नेत्रहीन विद्यालय गली, विक्रमशिला कॉलोनी, जवारीपुर, हनुमान पथ, तिलका मांझी समेत कई मोहल्ले का भ्रमण किया। वहीं वार्ड संख्या 51, 48, 31, 32 एवं 33 में भी सघन जनसंपर्क कर कविता राय और उनके समर्थकों ने घर घर जाकर लोगों को नगर निगम के चौमुखी विकास के लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान लोगों ने भी शिक्षित और योग्य प्रत्याशी को समर्थन देने की बात करते हुए उन्हें जीत का आश्वासन भी दिया।